स्कूल में जाओ चाहे कॉलेज में जाओ, वहां की चकाचौंध को देख करके और जिस काम से आए उस काम को मत भूलो। पढ़ना तो भूल जे, हर बजे लंबा लंबा नक उनकर मिनडी का पंजा भेजू, हाथ हावल धोई जेनी, हिना नावल करी जेनी। मेरे तो कथा वे नहीं देना, कथा शुरू करने के बाद नाखून काट नहीं सकते। अनुष्ठान जब तक नौ दिन पूरे नहीं हो तो कैसे काटे, तो ही महाराज हिनान करा तो कितनी कितनी लाग जे लोई आ जे। हरि जे इतना लंबा लंबा है हूं कर रहा कहता नहीं, हाथ धोई तो गुनू करे हूं, हिना नावल कर करे हूं करे हूं, हाथ बांध का माने रंग रंग कोजा कर ले हुगला ने पढ़ने में मैं जिया हो नहीं, कॉलेज में पढ़ना रुक गया, शहर में पढ़ना रुक गया, माई तो हॉस्टल में पढ़ना रुक लिया। हमारी छोरी पढ़ लीकर कोई कोई छोरी पढ़ लीकर बापड़ी हकरी भली बुद्धि बढ़िया ही समझ अच्छी डॉक्टर बन गई, कोई इंजीनियर बन गई, कोई लेक्चरर बन गई, कोई कलेक्टर बन गई, माई धकलाई जाने मारी बनी बनी के बात चार सामीना वेर फूटिया भूतनी बनुड़ी मां तोड़ गई। तुम भाई तू भागी है चार महीना पहले की बात और है कि माऊ के ओल कोई कोन हूं भागी तुम कि भाई लखन तो आगे कोन दिए नहीं यार थोड़ी पड़न दे इसके लिए थोड़ी जाते हैं भाई। हनुमान जी ने क्या नहीं देखा लंका में, खूब वर्णन किया तुलसीदास जी ने लंका के बारे में, लंका कैसी है वो सब कहां रु करयो है ओ यारो रे भाई ई तो सब ई तो वैभव देकर भी हनुमान जी को मन ललचायो नहीं, हनुमान जी को ध्यान सिर्फ सीता का नहीं है कि सीता कहां है, मैं तो सीता को खोजने आया हूं, मेरा काम वो है। इसी तरह से पढ़ने वालों को संसार की चकाचौंध में नहीं उलझना चाहिए। रात में आप जानी हड़क मार हम ली गाड़ी की लाइट तेज वे नहीं लाइट आ गया नाम दिए की को तो इतरी पढ़न जो नहीं तो शेर की हवा देख रू मती बोन ध्यान पढ़ाई मेरा फितूर मती करो ना समझे ना लड़को तभी आपका भला होगा, आपका भला होगा, सबका भला होगा। बस कल एक मार साहब कह रहे थे गुरु जी लोगों को कहना थोड़ा बाली का शिक्षा के बारे में, पढ़ना तो चाहिए आज के जमाने की जरूरत है, पढ़ना हंगड़ा ज्यादा जरूरी क्यों है, पहली तो के होंदो के माइत जीके लार बहिर कर देना नहीं, वो हारी उम्र ही निभावंदो भी मैं हार रेंदी जते वो निभावंदो, मैं काली काणी खोड़ी जिसी उंदी नहीं वो निभावंदो के भाई माइत अपन पंडा दिन आवने आई सरस्वती है आई आवने तो पार्वती है, पण अमीगा महाराज जी का भी देवांग भरोसा कोनी, माइत बहिर करे यार वो भी चोराए मार ले जा रही छोड़ दे ठाकुर भी कुन जाऊं तो कूदे की ठाकुर जिना पढ़ाई जरूरी है छोरी पढ़ी लिखी वे तेरे कोई संकट आ जाए कोई टेम खराब आ जाए तो आपको जीवन तो चला सके आपकी जीविका तो तरीके हूं चला सके। आज कुछ को समय है भौतिकवादी युग है पैसे का युग है चीजों का जमाना है इसलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, पढ़ाना चाहिए अच्छे से अच्छे पढ़ाना चाहिए, अच्छी स्कूल में पढ़ाओ अच्छी कॉलेज में पढ़ाओ सब सुविधा दो डॉक्टर इंजीनियर सब बनने का मौका दो। आगे मन में हूं नरे जी ने छोरी आज ना मान पढ़ने को मौको कौन मिले पण भाई एक बात थई बताओ पढ़ाई के नाम माते फितूर करनो इंगी छूट होनी चाहिए की इंगी छूट होनी चाहिए की कई भाई आए मन हाथ इतना लंबा लंबा नु कहवे देर लागे किंगी लाग जे ने मारक बंदी में ए करना चाहिए के ए कोई किताब में चौपड़ी में लिखुड़ा है के थारी किताब में कितनी लिखुड़ा है। तो फिर ये इस तरह के फितूर करने भी तो ठीक नहीं है ना, पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन माँ बाप की बात नहीं माननी ओ कोई पढ़ाई को है कि किताब में नहीं है ना। फिर
पढ़ने वाले बालक सिर्फ पढ़ने में ध्यान रखते हैं, तो जिकी छोरी पढ़ने में ध्यान रख हनुमान चरित्र है, न तो होने का मेल देखन प्रभावित होया, न रावण की ताकत देखन प्रभावित होया, ना रावण को मेल देखन प्रभावित होया, ना रावण को बल देखन प्रभावित होया। हनुमान जी को तो एक ही ध्यान, एक ही का नजर कि सीता जी कहाँ है। इसी तरह से जिकी छोरियों को ध्यान सिर्फ पढ़ने में है, माने तो महाराज पढ़ाओ, पण जिकी पढ़ाई के नाम माते फितूर करे, कदाई तो झीठा लंबा करे, कदाई ओछा करे, कदाई इस्तुबा वो पहली स्कूल राउंड तो बजा चेतक बियाली इस्ते अपनी वेजू कदाई झीठा इत लगाए ले, कदाई इत लगाए ले, कदाई इता कपड़ा पहरे, कदाई इता पहरे, इस तरह का पढ़ाई के नाम पर फितूर करे। बन घर पिछान लोग बेटा आवन होगी पढ़ाई, तू एहलकार बन गई, मैं देख ली लखन ठा ला गया, बन तो गरीब पिछाणो ठीक रही। लोग तो कटा गई क्यों कह गए महाराज जी हाची बात गो, टेम गो टेम की आ भी मांगे, समय की ये भी मांगे, और कानून कायदे में रहे, अनुशासन में रहे, मर्यादा में रहे, और अपना ध्यान पढ़ने में लगाए सिर्फ के माइत माने पढ़ने की छूट दी हुई है, मैं पढ़ा। एक आदमी हो आपकी छोरी ने पढ़ने की छूट दी हुई, छोरी ने छोरे की तरह छूट दी, शहर पढ़ने जाऊंगे शहर जा, खेलने जाऊंगे खेलने जा, भी शहर खेलने जाऊंगे दूसरे गांव में खेलने जा, सब छूट। कोई प्रतिबंध नहीं, ठीक है भाई बच्ची पढ़ रही है अच्छी बात है। और एक दिन महाराज बात होगी पढ़ने जो कुटी मुड़ रही को घरे घेर गई हूँ पढ़ने जाऊंगे, भी कोई खेल है खेलने जाऊंगे, और दो दो दिन बस फोन किया तो मैं तो ब्याह कर लियो गए। अब भैया ने तुम्हारा आज घर बांध रखो तो ही ठीक है, भैया ने छूट देर के करा मतलब जरा, इतना भरोसा किया माइकों ने, हद से ज्यादा भरोसा किया, छोरे मात नहीं कराई तो छोरी मत, और बड़ा हिस्सा लखन दिखाए। तो पढ़ने के लिए ऐसा नहीं करना, पढ़ाई करो, लेकिन आपके किसी भी काम से माँ बाप को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उनकी मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी इज्जत है, उस पर कोई आंगली नहीं उठाए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपकी ड्यूटी है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जब आपके लिए इतना करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ा नहीं पढ़ा उन्होंने थोड़े खर्चो लगे ना, एक आदमी लावे नहीं, हाथ सौ रुपया मजदूर हाथ सौ रुपया ले, अरे बो गए घरों चढ़ार लाओ चढ़ार पुगाओ तो आऊं, देहर बीघा तो नखरा ही अलग है, कोई तो कह दूध पाओ, कोई कह चाय पाओ, कोई कह तीन टाइम पाओ, यार थोड़ी के देखे देनी के भाई थोड़ा काम करो रे, तू के करो घड़ी घड़ी पे हो गयो थोला ले वाला, मैं तो ए बुआ गए ये तो ही करा, मैं तो आधे दिन मारे मजूरी दे पकड़ दूध लिए, तो एक मजूर की तो दोरो मिले, हर थे पढ़ना हर जो एक मजूर घरों जे हर जार पढ़ाई नहीं करो, और बस कोई और बात वैसे ना महाराज कितो दोरो लगे कितनी मुश्किल है बाबा। तो पढ़ना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, लड़कों को लड़कियों को सबको पढ़ाना चाहिए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए, निगेदास्ती भी रखनी चाहिए, टाबरा माते विश्वास करना चाहिए, पर आंख नहीं मीचनी चाहिए, कबूडो वे नहीं कबूडो के कह रहा है कि मिनड़ी आवे ना आंख मीच ले के बस हम तो मिनड़ी हुई गई। तो आप लोग भी क्या करते हो, बच्चों के प्रति आपका जो प्रेम है ना, वो प्रेम मोह में बदल जाता है, और आप आंख मीच लेते हो, फिर ध्यान ही नहीं देते हो बेटा पर कित पड़े है कुकर पड़े है किंदा आवे किंदा जे, तो ये ध्यान रखना भी जरूरी है, और बच्चों को भी जरूरी है कि वो माँ बाप की मान सम्मान को ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम नहीं करे, ये ध्यान रखने वाली चीज। लड़के हो या लड़की हो जो भी, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। और दूसरी बात, जो भी लड़के लड़की पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लिख करके कामयाब होना चाहते हैं, बाने महाराज इतने लंबे फोन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नियत वास्ते में पढ़ने की है,
हकीकत में कोई भी बहन गया हकीकत में पढ़ने की नीयत है, पढ़ लिख करके बनने की इच्छा है, बिना फोन की जरूरत है ही नहीं। पढ़ने पढ़ाई के नाम पर वही चार दिन गमछोड़ करना है नहीं तो भले ही लिए फिर थारी मर्जी। बाकी पढ़ मास्टर बनना है की जरूरत नहीं, पढ़ लेक्चरर बनना है की जरूरत नहीं, पढ़ डॉक्टर बनना है की जरूरत नहीं, पढ़ थाने इंजीनियर बनना है की जरूरत नहीं, पढ़ आरएस बनना है की जरूरत नहीं, पढ़ थाने आईएएस बनना तो भी की जरूरत नहीं। दसवीं पढ़ा छोड़ो फोन माते बड़ो फेसबुकर ट्विटर यूट्यूबर ट्विटर कई कई यही गल हर के पढ़ा बता के पढ़ी भाई है के पढ़ी बता इता किता छोरा है हर फोन ही तो लंबो हर वे मेरे इता फॉलोअर है ओ हो तेरे हावलोटर दांत में तो वही कौन रोज को हर तेरे फॉलोअर बड़े बोलो कमाल करे। तो ये लापरवाही है, गलती है आपकी भी है, आप भी ध्यान रखो। माँ बाप को चाहिए कि टाबरा की परवरिश तो करो पर माने हिर मत चढ़ो, माने हाथ के नीचे रखो काबू में रखो, हिर मत चढ़ो टाबर तो हिर मत चढ़ो तो दुखी दई टाबर तो हाथ के नीचे रहना चाहिए। तो माताओं का भी माइयों को भी माँ है बंगो भी फर्ज है, टाबरा को छोरियां को मोटी छोरियां तो घर में ध्यान रखो। तो पढ़ाई तो करवाओ भाई, पढ़ाना चाहिए लेकिन ये जो मेरी कुछ बातें हैं ना इनका आपको ध्यान रखना जरूरत है। असल में इस तरह की जो बातें आती है ना सामने तब दुख होता है, तब लगता है कि आने भाई गरीरा को धावड़ा है। इसलिए तो सभी यहाँ आए हुए सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि फोन पढ़ना है तो फोन चलाना बंद कर देना आज के बाद, और कम से कम कदई कोई जी कोई लेसन देखनो पढ़ जी मान लो तो महाराज फेसबुक रे व्हाट्सएप रे लेसे पर ए मत कर आंगी तो हरगिज ही जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। फोन में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके भले की बात है ये, आपके लाभ की बात है। तो हनुमान जी महाराज तो खूब लंका में घूमे लेकिन सिर्फ सीता को ही खोजते रहे। गांव का छोरा है रहर जे पड़े नगजार भी कुछ कल रेडी मत उबारे बस और की नहीं दिए छोरा और छोरी अगली एक नई नई कॉलेज जा खुली हैरम कि जार दे को कॉलेज जंग बार ले बात कुछ कल ही कुछ कल उबा मिल है नहीं किता किता गोड़ गोड़ हारो दिन करे लिख तर घोड़ बोग रहे बे वो पी बोग रहे वो हारो दिन तो कौन करे कदई ईद खा जाजे कदई ईद खा जाजे कदई नाक खा जाजे वो नाक कौन करे हर वो पानी उगा दे आप हरम नहीं आवे थाने हरम नहीं आवे मतलब पढ़े लिखे हो गए पढ़े लिखे की चार आंख वे अरे थोड़ी देर पहले तो नाक अगी में कूद रहे हूं करे आकाने तो या नहीं हरी पानी के में घात दिनार पैया देर हूं करे पैया देर भीख मांगे तो ई आरु पढ़न नहीं जानो भाई पढ़न आरु जानो मन लगावनो पढ़ने।